आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो भी फोटो, सपोज कुछ आपका डिलीट हो गया, फोटो गलती से डिलीट हो गया, या कोई स्पेशल फोटो है आपको रिकवर करना चाहिए, तो आप कैसे उसको रिकवर करेंगे आपको मोबाइल में, वो प्रोसीजर आपको बताऊंगा जेन्युइनली। और प्ले स्टोर में वो ऐप एप्लीकेबल है, अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर में पहले क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सर्च करना है कि डिलीटेड फोटो रिकवरी। अब देखिए नीचे आप ऑलरेडी क्लिक कर लिखा सर्च किया था, बल्कि दिखा रहा था डिलीटेड फोटो रिकवरी, सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ पर क्लिक कीजिए, तो पहले जो आएगा ऐप जो है फोटो रिकवरी फाइल रिकवरी बोल के जो दिखा रहा है ना फ्रेंड्स, उस हमको क्लिक करके इंस्टॉल करना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैं ट्राई किया हूँ, बहुत ही बढ़िया ये है, आपका एप्लीकेबल है एप्लीकेशन जो है, तो उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैं आपको सामने इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। आपको नहीं मिले, आपको बड़ा काम नहीं करता है, तो मेरा जो वीडियो है डिसलाइक करके कुछ भी कमेंट क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपका जो आपका काम नहीं होता है, कोई आपका रिलेटेड फोटो रिकवर नहीं हो मिलता है, तो आप मुझसे बता रहा हूँ, आप मेरा वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है मैं आपको दिखा दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के तक आप वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी इंस्टॉल हो गया, अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, मैं देखा हूँ, मैं पहले खुद ट्राई किया हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको ऐसा करके इंस्टॉल होगा फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। ऐसा कुछ ऐड दिखाता है, तो आप ऐड में क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद इंग्लिश कौन सा इसमें दिखा आपको दिखाता है, कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में आप क्लिक करने कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। वो दिखा रहा है क्या क्या है, नेक्स्ट करके ऐसा ऑप्शन आएगा, रिकवर फोटो, रिकवर वीडियो, रिकवर अदर फाइल, जैसा दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके वापस रिकवर फोटो में आप क्लिक किए, तो आप उसके बाद स्कैन करेंगे ना, तो स्कैन करने के बाद आपका जो है आपको जितना भी फोटो है आपका रिकवर होता रहेगा। आपका परमिशन मांगेगा जब क्लिक कीजिएगा, तो फ्रेंड्स फोटो स्कैन होता रहेगा, और आपको स्कैन का जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको चूज़ करेंगे, चूज़ करके जो फोटो आपको सीधा चाहिए उसको सिलेक्ट करके रिकवर करना है फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा पर्सनल इसको करेंगे तो पर्सनल फोटो दिखता है, मतलब जो जिसका रिलेटेड फोटो दिखता है, तो मैं कभी नहीं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपका जो है ऐसा आप एग्री करके आपको स्कैन करने के बाद जब स्कैनिंग हो जाएगा, तो एक एक करके मैनुअली फोटो आप सिलेक्ट करके जो आपको चाहिए उसको स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर फ्रेंड्स, उसमें कुछ है नहीं, बहुत ही बड़े एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। एक बार ट्राई करने के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और मेरा एप्लीकेशन अच्छा लगेगा तो उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर से हम लोग ऐसा नया वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, हम लोग फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स।